बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम चैप्टर टू कर रहे हैं एटम्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मादे के बिल्डिंग ब्लॉक्स। आज हम उसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे या न्यूट्रॉन की दरियाफ्त कैसे हुई। हम इस दुआ के साथ अपने सबक का आगाज़ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे ज़्यादा इल्म अता कर। चेंज योर थाट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड, अपने ख्यालात अपनी सोचें तब्दील करें, आपकी दुनिया तब्दील हो जाएगी। सोच कैसे तब्दील होती है? जो अ गुड बुक कैन चेंज योर लाइफ, जो किताब आप पढ़ते हैं वो आपकी सोच तब्दील करती है, आपकी सोच तब्दील हो जाएगी तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। और वो कौन सी सबसे बेहतरीन किताब है? वो कुरान मजीद है, जिसको पढ़ने से ज़िंदगियां बदल जाती हैं। कुरान मजीद को तर्जमे से सोच समझ कर पढ़ें और अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने रोज़ कुरान मजीद की 3 आयात कम अज़ कम पढ़नी है। हम अपने सबक की तरफ आते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। रदरफोर्ड ने मुशाहिदा किया कि एलिमेंट का मास जो है वो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन ओनली, कि एलिमेंट का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की बुनियाद पर वज़ा नहीं किया जा सकता। यानी दो चीज़ें मिलकर खाली मास नहीं बनाती, कुछ और भी तीसरी चीज़ भी इसमें शामिल है। ही प्रिडिक्टेड इन 1920, उसने 1920 में पेशन गोई की, दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटोन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई ज़र्रा पाया जाता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर उसने तजर्बात शुरू किए। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932। चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ ब्रिलियम टारगेट, उसने ब्रिलियम की प्लेट के ऊपर अल्फा ज़र्रात बरसाए। ब्रिलियम, उससे क्या पता चला कि जब उसने अल्फा ज़र्रात की बम्बार्डमेंट की तो स्ट्रेंज रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी दैट टर्न्ड आउट टू बी अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स, स्ट्रेंज अजीब शुआएं निकली जो कि बहुत ज़्यादा जिनमें तवानाई थी, और इट टर्न्ड आउट टू बी बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स। उस वो शुआएं जो हैं वो असल में बीम थी न्यूट्रॉन्स की, तो जिनके ऊपर कोई मनफी या मुस्बत चार्ज नहीं था। ब्रिलियम जो है वो एक मिनरल है जो कि ज़मीन से निकलता है, इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, और ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, दे आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स हैव अ मास ऑफ 1 AMU, दे आर द सेम साइज एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग, न्यूट्रॉन दूर तक अंदर चले जाते हैं, यानी किसी भी जो मादा है उसको अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेशन क्या होती है? जैसे आप ये देखें, अल्फा पार्टिकल पेपर ने रोक लिए, बीटा हाथ ने रोक लिए, गैमा वेव्स भी अंदर तक चली गई और न्यूट्रॉन्स भी पेपर को भी क्रॉस कर गए, हाथ को भी, पानी को भी, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन है, डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम्स? क्या आप कोई ऐसा एलिमेंट जानते हैं जिसके एटम में न्यूट्रॉन ना हो? यस, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट विच हैज नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, खाली एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन इन 1897,
when he was studying the properties of cathode ray. और जो प्रोटॉन है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन हिज फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. और जो न्यूट्रॉन है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक जिसको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम अ न्यूट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन से कैसे मुख्तलिफ होता है. ये एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड ऑर्बिट करता है. तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो है वो ई है, माइनस चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस और 1840 गुना छोटा होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से. न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दोनों न्यूक्लियस में होते हैं और दोनों का मास बराबर होता है. तो ये इन तीनों पार्टिकल्स का कंपैरिजन है, सिंबल, चार्ज, लोकेशन और रिलेटिव मास. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ आर कैनाल रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. हमने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से रिलीज होते हैं वो कोलाइड करते हैं एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, जिससे पॉजिटिव रेज जो हैं वो निकलती हैं जो कि वापस कैथोड के होल में से गुजरती हैं. तो और जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होती है जो एनोड की तरफ जाती है. उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.